अस्सलाम वालेकुम। रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हर किसी की ख्वाहिश होती है पकौड़े खाने की। तो आई एम हियर विद द न्यू रेसिपी। आज मैं आप लोगों को अरहर की दाल की स्लाइस्ड पकौड़े की रेसिपी बताने वाली हूँ। अरहर की दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ये इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें अरहर की दाल के पकौड़े बनाने के लिए। अरहर की दाल 1/2 kg, देन 1/2 kg रिफाइन है, और उसके बाद हमें 5 ग्रीन चिली और 1 गार्लिक चाहिए। आप ज्यादा ग्रीन चिली भी ले सकते हैं अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो। देन 1 tablespoon जीरा, जो पचाने में भी हेल्पफुल होता है और जायका भी बढ़ा देता है। 1 teaspoon हल्दी पाउडर ले रही हूँ मैं। देन 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, और स्वाद अनुसार सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे। देन हींग मैं ले रही हूँ। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अरहर की दाल को 3 से 4 घंटे के लिए पानी में फुला दिया था, भिगो दिया था। तो अब आप देख सकते हैं ये। अब मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। तो मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, 5 ग्रीन चिली, आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। देन मैंने 1 गार्लिक ऐड किया है, और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। देन मैं इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी, ताकि ये स्मूथली हो जाए। देन मैं इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ, 1 tablespoon जीरा। उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं ग्राइंड के बाद कितना स्मूथ हो गया है, अच्छी तरह ये ग्राइंड हो चुका है। तो मैं इसे एक बॉल में निकाल रही हूँ, और बॉल में निकालने के साथ साथ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है चूल्हे पर, ताकि गर्म हो सके वो। तो मैं इसी तरह सारे जो ग्राइंड किए हैं निकाल ली हूँ बाउल में, और उसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 teaspoon हल्दी पाउडर। देन 1 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ, और स्वाद अनुसार नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देन हींग मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, हींग अगर आपको नहीं डालना है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो मैं इसमें रिफाइन ऐड कर रही हूँ। देन आई एम मिक्सिंग इट वेल। मैं जो भी चीज़ें बॉल में निकाली थी, जो ग्राइंड की थी, उसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, ताकि हर पोर्शन में हर एक चीज़ जा सके। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, और हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो अब मैं बॉल में एक चम्मच से शेप के लिए चम्मच से मैं इसमें डाल रही हूँ। हम गोल नहीं बना रहे, क्योंकि ये नई टेक्निक हम यूज कर रहे हैं, स्लाइस्ड पकौड़े बना रहे हैं। तो मैं एक स्पून के शेप के पकौड़े इसमें डाल रही हूँ। आप कोई भी स्पून के शेप का इसमें डाल, हम इसका स्लाइस करेंगे इसको। तो देखिए ये अच्छी तरह तला रहा है, पक रहा है, हमें इसे पकने देना है थोड़ी देर के लिए। आप देख सकते हैं, वाओ, अमेजिंग। तो मैं इसे अब पलट रही हूँ, एक साइड हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है, कलर भी इसका ब्राउनिश होने लगा है हल्का। तो ये अच्छी तरह बस पक रहा है, और ये पक ही गया है तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तेल थोड़ा सा छान के इसे प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, और फिर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि स्लाइस करने टाइम हमें इजी हो, गर्म रहेगा तो हमारा हाथ भी जल जाए। तक हम खड़ी धनिया की चटनी बनाएंगे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें। सबसे पहले 1 tablespoon खड़ी धनिया। देन मैंने 2 lemon लिया है, अगर ये छोटा नींबू है इसलिए मैंने 2 लिया है, अगर बड़ा आपके पास तो 1 भी ले सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक। देन 6 से 7 लहसुन की कली, और 1 हरी मिर्च। तो ये सारे इंग्रेडिएंट चाहिए। कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी, और अब मैं इसमें 1 tablespoon खड़ा धनिया डाल रही हूँ, और मैंने और भी पकौड़ी डाली थी कढ़ाई में, वो भी अच्छे से पक रही है।
तो खड़े धनिया को मैं अच्छे से भून रही हूँ। इसे अच्छे से धीरे धीरे मिक्स करते रहना, धीरे धीरे पूरा मिक्स करते रहना, भूनते रहना है। देन मैं इसमें एक हरी मिर्च और 6 से 7 लहसुन की कली ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से भून रही हूँ। आप देख सकते हैं अच्छे से ये भुना रहा है जब तक हमारी पकौड़ी भी ठंडी हो रही है। इसे ठंडी होने देना है ताकि स्लाइस करने टाइम ईजी हो। आप देख सकते हैं तो जो मैंने भुना था खड़ा धनिया और लहसुन मिर्च, उसे मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए इसे एक जार में निकाल रही हूँ और फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। देन इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और मैंने ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्राइंड हो गया है, कलर भी कितना फिनिश्ड फाइन है। तो इसे भी मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें स्लाइस्ड लेमन ऐड करूँगी। मैंने लेमन को स्लाइस कट कर लिया है और फिर मैं इसका जूस निकाल रही हूँ। इससे खट्टापन आ जाता है और भी जायका बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैंने सारे लेमन्स की जूस निकाल लिए और फिर इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। हमारी चटनी रेडी है, पचाता है और बरसात के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब मैं पकौड़े को एक स्लाइस कट करने वाली हूँ, आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैं इसे स्लाइस कट कर रही हूँ। ये ठंडा गया है तो अच्छे से कट हो जा रहा है, गर्म में हमारा हाथ भी जलता है और अच्छे से कट भी नहीं हो पाता। और सभी को मैंने पकौड़े को ऐसे ही कट कर लिया है और फिर मैं कढ़ाई में इसे तल रही हूँ। रिफाइंड जो मैंने डाला था वो गर्म हो गया था तो मैं इसे अब तलने के लिए डाल दे रही हूँ। देखिए कितने अच्छी तरीके से ये पक रहा है, हल्का ब्राउनिश कलर भी आ गया है, बहुत ही फाइन दिख रहा है। इसे अच्छे से पकने देना है और हमेशा इसे पलटते रहना है ताकि हर तरफ से अच्छे से पक सके। तो ये अब पक चुका है तो मैं इसे एक प्लेट में इसे निकाल लूंगी। सभी स्लाइस्ड पकौड़े को जो मैंने अभी तला है उसे मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, कलर तो सबसे अच्छा दिख रहा है इसका और टेस्ट भी उतना ही अच्छा है, हेल्दी भी है। और फिर मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया और चटनी के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। अगर आपको ये डिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।